तो यार दोस्तों आखिरकार होंडा ने अपनी नई कार WRV को निकाल दिया है। तो यार दोस्तों ये 14.62 लैक्स की गाड़ी क्या 2023 की सबसे तगड़ी फीचर्स वाली गाड़ी हो सकती है, क्योंकि यार दोस्तों इसका जो प्रीमियर हुआ था ना, इसके जो फीचर्स पता पड़े ना मेरे को ये देख के, तो आप यही गाड़ी लोगे। दोस्तों ये वीडियो आपको सिर्फ 3 मिनट में मैं सब कुछ बता दूंगा, पर उससे पहले आप मेरे को चैनल को अभी तक लाइक या चैनल को लाइक कैसे या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और बेल नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया तो कर दो। दोस्तों यार होंडा WRV जो थी यार वो होंडा की तरफ से 2023 में लॉन्च होने वाली अपन को पहली गाड़ी पता पड़ी है, तो इसका फेसलिफ्ट को जान देते हैं कि यार वो पिछली वाली हुंडई WRV से कितना चेंज होगा। तो यार मेरे जैसा कि आप देख सकते हो कि पूरा का पूरा फ्रंट है ना WRV का उन्होंने चेंज कर दिया है। दोस्तों आपको फ्रंट में यहाँ पर इसका फ्रंट ब्लैक क्रोम कलर की ग्रिल देखने को यहाँ पर आपको मिल जाती है। उसके साथ दोस्तों आपको स्लीक हेडलैम्प्स देखने को मिल जाते हैं जिसमें आपको LED DRLs दिख रहे हैं, और दोस्तों सिक्वेंशियल LED टर्न सिग्नल्स भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों आपको छोटा सा नीचे से ग्रिल दिखेगी, और हाँ ट्रेपेज़ॉइडल फॉग लैंप भी यहाँ पर आपको फ्रंट में देखने को मिलेंगे। साइड प्रोफाइल की बात करें तो दोस्तों 17 इंच के आपको व्हील्स देखने को मिल जाएंगे, और ये आपको डायमेंशंस यहाँ पर आप देख सकते हो इजीली। यार दोस्तों ये लेंथ में थोड़ी बड़ी आप कह सकते हो, यार सेगमेंट में सबसे अच्छी बता रहे हैं। वहीं दोस्तों आपको ग्राउंड क्लियरेंस 220 nm की जो कि काफ़ी अच्छी है, बेस्ट इन सेगमेंट बता रहे हैं। बूट स्पेस 380 लीटर्स का देखने को मिल जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों बात करें इसके इंटीरियर की, दोस्तों यार इंटीरियर में आपको अच्छे अच्छे फीचर्स देखने को मिलते हैं, जैसे 7 इंच का टच स्क्रीन देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ आपको दोस्तों ऑटो एसी का फीचर देखने को मिल रहा है। आपको 4.2 इंच का TFT मीटर क्लस्टर देखने को मिल रहा है, और दोस्तों जो स्टेयरिंग है वो सिर्फ टिल्ट फंक्शन के साथ आती है। और दोस्तों यहाँ पर आपको पुश इंजन जो स्टार्ट इंजन वाला बटन होता है वो देखने को मिल जाए। बात करें दोस्तों यहाँ पर इंजन स्पेसिफिकेशन की, तो यार होंडा की तरफ से इतना क्लियर नहीं है, पर दोस्तों यार जैसा कि मेरे को पता है तो यार इसमें आपको 1.5 लीटर का DOHC IVTEC मोटर मिल जाएगी, जो कि दोस्तों प्रोड्यूस करेगी अपने 121 PS मैक्स पावर प्रोड्यूस करेगी। वहीं दोस्तों इसका जो मैक्स टॉर्क है ना यार वो 145 Nm का निकल के आता है, जो कि दोस्तों इतना ज़्यादा मतलब आई कैचिंग नहीं है। इसके अलावा दोस्तों एक सबसे तगड़ी चीज़ जो है ना, जिसकी वजह से आपको WRV परचेस करनी चाहिए, वो है दोस्तों इसके फीचर्स। दोस्तों इसमें इतने भर के फीचर्स है, सेफ्टी फीचर्स वगैरह ना, तो ये आपको आजकल की गाड़ियों पे देखने को नहीं मिलेंगे। तो यार धीरे धीरे मैं आपको सारे बता देता हूँ। सबसे पहला दोस्तों व्हीकल स्टेबिलिटी असिस्ट, हिल स्टार्ट असिस्ट, ABD विद EBD ब्रेक असिस्ट, इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल, वॉक अवे, ऑटो लॉक, रिमाइंडर फॉर द थिंग्स कैप्ट इन सेकंड रो, और साथ ही साथ दोस्तों होंडा लैन वॉच, ऑटो फोल्डेबल मिरर्स, स्मार्ट एंट्री सिस्टम, रिमोट इंजन स्टार्ट जैसे बहुत ही तगड़े फीचर। और दोस्तों इसका जो टॉप मॉडल होगा उसमें आपको कई सारे एडवांस फीचर्स देखने को मिलेंगे। तो यार इसमें से कुछ मेरे को पता पड़े हैं किसी साइट के द्वारा, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यार दोस्तों वो फीचर्स यहाँ पे आएंगे, कॉलिजन मिगिटेशन ब्रेकिंग सिस्टम, लेन की परसिस्टेंस सिस्टम, रोड डिपार्चर मिगिटेशन सिस्टम, एडिटिव क्रूज कंट्रोल, लीड डिपार्चर नोटिफिकेशन सिस्टम, और ऑटो हाई बीम। दोस्तों बस वीडियो यहीं खत्म करेंगे, क्योंकि यार 2023 की WRV के बारे में अपने पास बहुत कम इन्फॉर्मेशन थी, पर जो भी दोस्तों थी मैंने आपको कन्वे कर दी है। इसके अलावा आपके कोई क्वेश्चंस हो तो मेरे को कमेंट करके बताना। अगर ये आपको फीचर समझने में कुछ दिक्कत है या ऐसा कोई फीचर है जो आप पूछना चाहते हो, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स, मैं आपको बता दूंगा। या इन सब फीचर्स की मैं अलग वीडियो भी बना सकता हूँ, आप मेरे को बताना ज़रूर। और वीडियो अच्छी लगे तो यार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और यार थैंक यू फॉर वॉचिंग।